नॉलेज लीड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाइए टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप सभी ने पिवट टेबल का यूज तो किया ही होगा, उसके साथ साथ आपने उसको पिवट टेबल को फिल्टर भी लगाया होगा। लेकिन आप तो फिल्टर लगाने के लिए फिल्टर वाले फील्ड को आप फिल्टर के पिवट टेबल के फिल्टर के बॉक्स में आप ट्रैक करते हो। उससे क्या होता है कि जिस टेबल को पिवट टेबल को आपको फिल्टर लगाना है, उस पिवट टेबल को आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। उससे आप सिर्फ सिंगलली पिवट टेबल को वो फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको मल्टीपल पिवट टेबल को फिल्टर लगाना है तो आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता। दोस्तों आज मैं वही प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाला हूँ। एक्सेल 2010 और उसके बाद जो जितने भी एक्सेल के वर्जन आए हैं उसमें एक नया फीचर ऐड हुआ है जिसको हम स्लाइसर कहते हैं, और स्लाइसर में ही हम रिपोर्ट कनेक्शन भी आज देखने वाले हैं। दोस्तों इससे क्या होगा कि आपका जो एक्सेल में पिवट टेबल है उससे आप स्लाइसर अप्लाई कर सकते हो, मतलब इसमें फिल्टर अप्लाई कर सकते हो, और उसके साथ साथ आप मल्टीपल पिवट टेबल को भी सेम फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सेल में स्लाइसर एंड स्लाइसर को रिपोर्ट कनेक्शन कैसे करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं नॉलेज लीड चैनल। दोस्तों आपके सामने ये कुछ डेटा है जिसमें सीरियल नंबर है, डेट है, रीजन है, प्रोडक्ट है और सेल क्वांटिटी है और अमाउंट है। इसको अभी मुझे पिवट लगाना है। इसके लिए मैं सबसे पहले इसको पिवट डाल देता हूँ। पिवट डालने के लिए मैं डेटा सिलेक्ट किया। डेटा सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाके पिवट टेबल इंसर्ट किया। इसमें मैं यहाँ पे इसको टेबल रेंज तो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, डेटाबेस मेरे टेबल का नाम आ गया और यहाँ पे न्यू वर्कशीट करके ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों अपना पिवट टेबल आ गया, यहाँ पे अपना फील्ड आ गया, जितने भी फील्ड अपने टेबल में है वो आ गया। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो रीजन है वो रीजन को मैं रोज में ले लेता हूँ ताकि मुझे रीजन वाइज प्रोडक्ट का सेल क्वांटिटी और अमाउंट जो है वो दिख सके। ओके सो हम यहाँ पे सबसे पहले तो रीजन और सेल क्वांटिटी जो है वो यहाँ पे हम पिवट टेबल इंसर्ट किया है। अभी हम इसको थोड़ा डिजाइन बना लेते हैं। यहाँ पे मैं टेबुलर फॉर्म जो है वो एनेबल कर देता हूँ। इसका थोड़ा डिजाइनिंग जो है कलर कॉम्बिनेशन वो थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अभी यहाँ पे देखो दोस्तों कि आपके पास रीजन है और उसका क्वांटिटी है, सम क्वांटिटी है। इसको अगर मुझे फिल्टर लगाना है तो मैं प्रोडक्ट वाइज फिल्टर लगा सकता हूँ। तो इसके लिए मैं प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट फिल्टर के इसमें ड्रैग कर देता हूँ। यहाँ पे जो है यहाँ पे आप इसको जैसे चाहिए, जो प्रोडक्ट का चाहिए वो प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करके उसका आप रीजन वाइज सेल क्वांटिटी देख सकते हो। ऐसा आपने यूज तो किया होगा, लेकिन आज हम देखने वाले हैं वो है स्लाइसर। ओके सो मैं इसको प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट को यहाँ से हटा देता हूँ। अपने पास सिर्फ ये टेबल है। ओके ये टेबल है, प्योर टेबल है। इसमें अभी मुझे क्या करना है, फिल्टर लगाना है ताकि वो मैं प्रोडक्ट वाइज फिल्टर देख सकूँ। इसके लिए आपको पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करना है। पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करने के बाद एनालाइज में जाना है, और एनालाइज में जाने के बाद यहाँ पे फिल्टर करके एक ऑप्शन है, इसमें से हम इंसर्ट स्लाइसर, ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ओके तो इंसर्ट स्लाइसर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके डेटा में जितने भी फील्ड है वो फील्ड के हेडिंग जो है वो आपके सामने आएंगे। यहाँ पे देखो डेट आ गया, रीजन आ गया, प्रोडक्ट आ गया, सेल आ गया, अमाउंट आ गया। अभी मुझे जो है वो मुझे प्रोडक्ट वाइज फिल्टर लगाना है। इसके लिए मैं प्रोडक्ट सिलेक्ट करता हूँ और ओके बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। आपके सामने देखो यहाँ पे फिल्टर का जो लिस्ट है, ये फिल्टर का लिस्ट आ गया। अगर सपोज मुझे अमेजोन का डेटा देखना है या फिर अमेजोन का सेल क्वान्टिटी देखना है तो मैं सिर्फ अमेजोन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली सिर्फ अमेजोन का ही आएगा।
सपोज मुझे ईबे का देखना है तो ईबे क्या ही आएगा। ऐसे आप मल्टीपल भी इसमें से फिल्टर लगा सकते हो। अगर सपोज मुझे ईबे और माय मंत्रा का करना है तो मैं वो मल्टीपल कंट्रोल प्लस आप माउस से उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे जो भी फिल्टर में आपने क्राइटेरिया सिलेक्ट किया है वो क्राइटेरिया के हिसाब से आपको यहाँ पे सेल क्वांटिटी दिखाई देगा। अगर आपको फिल्टर क्लियर करना है तो यहाँ पे क्लियर फिल्टर बटन का ऑप्शन है, उसके ऊपर आप क्लिक करके इसमें फिल्टर लगा सकते हो। ओके सो ये हो गया स्लाइसर। स्लाइसर आप कैसे यूज कर सकते हो, इसमें स्लाइसर के ऑप्शन भी है। अगर आपको सपोज ये प्रोडक्ट जो नाम है और ये जो हेडिंग है ये नहीं चाहिए तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो और स्लाइसर सेटिंग में जाओ। स्लाइसर सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको आपके फील्ड का नाम जो है वो दिखता है। यहाँ पे आपको अगर सपोज सेंडिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। अगर सपोज आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हो। और यहाँ से आपको जो डेटा ब्लैंक सेल है उसका हाइड करना है तो यहाँ पे हाइड आइटम विथ नो डेटा, या फिर अगर आपको विजुअल इंडिकेटेड आइटम विथ नो डेटा मतलब जिसमें हमने कुछ चार्ट्स या फिर कुछ विजुअल्स डाले ऐसा कुछ डेटा रहेगा और वो फील्ड आपके पीओ टेबल में आता रहेगा तो उसको आपको अगर निकालना है तो यहाँ पे भी आप वो ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते। टेम्पररी हम इसको अभी मुझे हेडर हटाना है, इसके लिए मैं डिस्प्ले हेडर के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पे देखो दोस्तों आपके सामने ये जो स्लाइसर है ये स्लाइसर अभी आ गया है। अगर सपोज मुझे इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये आपको जैसे चाहिए वैसे आप इसको फिल्टर लगा सकते हो। ओके अभी इसका जब आप स्लाइसर के ऊपर क्लिक करते हो तो ऑप्शन बटन आता है, यहाँ से आपको जैसे डिजाइन का चाहिए वैसे डिजाइन आप इसमें से डाल सकते हो। जैसे आपको कलर स्टाइल चाहिए स्लाइसर स्टाइल चाहिए वैसे आप इसको डाल सकते हैं। अगर सपोज आपको इसके कॉलम्स बढ़ाना है, सपोज अभी सिंगल कॉलम में था इसको अगर सपोज मुझे डबल कॉलम में करना है तो मैं इसको डबल कॉलम में भी कर सकता हूँ। ये देखो यहाँ पे अगर मैं डबल कॉलम में कर दिया है यहाँ। ओके अभी हम देखेंगे कि इसको दूसरे पीओ टेबल के साथ कनेक्शन कैसे करते। तो सेम डेटा के ऊपर आते हैं, आने के बाद यहाँ पे मेरा ऑलरेडी डेटा सिलेक्टेड है इसके लिए मैं इंसर्ट पीओट टेबल, पीओट टेबल के बाद यहाँ पे सिलेक्ट टेबल जो है टेबल ऑलरेडी मेरा डेटाबेस नाम का जो टेबल है वो सिलेक्ट हुआ है। अभी यहाँ पे मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऊपर क्लिक करूँगा और एग्जिस्टिंग वर्कशीट में मैं यहाँ पे शीट टू के ऊपर दूसरा टेबल जो है वो मैं इंसर्ट करने वाला हूँ, इसको मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे डेट वाइज डेटा चाहिए या फिर डेट वाइज एनालिसिस चाहिए, इसके लिए मैं डेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे सेल क्वांटिटी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसकी वजह से क्या होता है सेल क्वांटिटी अभी मैंने यहाँ पे वैल्यूज में ड्रैग किया और जो डेट था वो डेट यहाँ पे रोज में ड्रैग किया है। ऑटोमेटिकली प्योर टेबल ने रिकोगनाइज किया कि डेट जो है वो मंथ वाइज सॉर्ट कर दिया है, यहाँ पे जनवरी फेब्रुवरी मार्च जो भी डेटा है उसके हिसाब से उसने डेट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर दिया है और यहाँ पे मंथ वाइज आपको सेल क्वांटिटी बता रहे हैं। इसको अभी हम थोड़ा डिजाइन में जाके टेबुलर व्यू एनेबल कर देते हैं। ओके सो अपना टेबल व्यू जो है वो टेबुलर व्यू जो है अपना आ गया है यहाँ पे। इसको हम अपना स्टाइल जो है प्योर टेबल का स्टाइल अभी हो गया है। अभी आपको क्या करना है कि सिर्फ मैं यहाँ पे जो भी फिल्टर है ये फिल्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखो अभी मेरा सिर्फ क्या हो रहा है कि सिंगल पीओ टेबल में ही चेंज हो रहा है, ये जो पीओ टेबल है इसमें ही चेंज हो रहा है, दूसरे में कुछ चेंज नहीं हो रहा है। मतलब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा जो भी फिल्टर लगाऊंगा तो जब मैं वो फिल्टर लगाता हूँ तो दोनों टेबल में वो वैल्यूज क्या होना चाहिए रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए अगर सपोज आपको एक ही स्लाइसर में दो पीओट टेबल या फिर उससे ज्यादा पीओट टेबल में आपको डेटा चेंज करना है या फिर आपको आपका जो डेटा जो है वो इंटरैक्टिव करना है तो उसके लिए आपको इसमें से स्लाइसर कनेक्शन रिपोर्ट अ स्लाइसर कनेक्शन करके ऑप्शन है, ऑप्शन में जाओगे यहाँ पे तो यहाँ पे देखो रिपोर्ट कनेक्शन करके है। जब आप
स्लाइसर के बटन के ऊपर क्लिक करते हो, मतलब जो स्लाइसर ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक करते हो, तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद आपको रिपोर्ट कनेक्शन करके ऑप्शन मिलेगा। रिपोर्ट कनेक्शन के ऊपर आपने अगर क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखो दो टेबल दिखा रहा है कि ये जो पिवट टेबल वन है, जो ये पिवट टेबल वन है, इसको ऑलरेडी तो कनेक्शन दिया हुआ है। ओके, अभी आपको क्या करना है कि ये दूसरे वाले टेबल को भी, पिवट टेबल टू, ये जो टेबल है इसको भी आपको कनेक्शन देना है। तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे सिर्फ टिक कर देना है। टिक करने के बाद अभी आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जब मैं जो फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ, वो फिल्टर के हिसाब से यहाँ पे आपको उसका सेल क्वांटिटी जो है, वो सेल क्वांटिटी यहाँ पे दिखा देता है। तो इसका मतलब है कि ये जो अपना फिल्टर है, ये फिल्टर, इसका मतलब ये है कि ये जो फिल्टर है, ये फिल्टर आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ओके, इसको अगर आपको सपोज क्लियर करना है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करो और क्लिक फिल्टर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो, तो उससे आपका जो फिल्टर है वो फिल्टर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करो और कमेंट करके शेयर करो। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिए, क्योंकि मैं लाता हूँ हर दिन एक नई ट्रिक्स। ऐसे ही मिलते रहेंगे अगले वीडियो में नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।